केंद्र सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सरकार मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी लाने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सांसदों के सवाल का जवाब दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इनको रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट मंत्री समूह को सौंपेगी। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे जो कि हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर विचार करने के बाद यह अपना फैसला करेंगे कि लिंचिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। जो भी प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने को तैयार हैं। उसके लिए यदि कानून भी यदि बनाने की जरूरत होगी तो हम कानून भी बनाने को तैयार हैं। इससे पहले सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीड़ हिंसा के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जज से इन घटनाओं की जांच कराने की मांग की। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटनाएं इंक्वायरी करो और रिपोर्ट आने दो और जो भी अपराधी है उसको शिक्षा दो। लेकिन पिछले कई वर्षों में मैं ये नहीं बोला ये सरकार, हम पहले भी जब चर्चा किए थे पिछले 10-12 साल में ये स्थिति बन रही है देश में और बिगड़ रही है और इसको मानना चाहिए। वी आर फॉर यूनाइटेड इंडिया, वी आर फॉर स्टॉप लिंचिंग, वी वांट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ नेसेसरी शुड गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट्स, सेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड दिस to stop this kind of things, mob lynching, everything. That is what I'm expecting from the central government. राजनाथ सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार ने इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए हैं। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी।